हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुल मंत्रा। आज हम सीखेंगे मैथमेटिक्स 4 में कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन की कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन किस तरीके से फाइंड करते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि कैलकुलेट द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग एज ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ। जो हस्बैंड है उसको एक्स मान लिया है और हमारा जो वाइफ है वो हमारा वाई है। By taking 30 and 28 as assumed mean in case of x and y respectively, कह रहा है जो हमारा 30 है और जो हमारा 28 है वो हम क्या करेंगे, assume करेंगे as हमारा mean है। यानी हमारा जो x dash है वह हमारा कह रहा है कि 30 है और हमारा जो y dash है वह कह रहा है कि 28 है। okay? तो आपको देखना है पहले कि हमारा जो कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन होता है इसका फॉर्मूला क्या है। हमारा जो हमारा कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन होता है इसका फॉर्मूला होता है आर एक्स वाई इक्वल सिग्मा एक्स माइनस एक्स डैश वाई माइनस वाई डैश अपान पूरे का रूट हमें करना है, फिर सिग्मा एक्स माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो जब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें इस टेबल को पूरा वैल्यू फाइंड करना है जो जो इसमें चाहिए हमें। तो हमें क्या, हमें गिवन है एक्स गिवन है और हमारा वाई गिवन है। तो एक्स हमारा कितना है, 24, 27, 28, 28, 29, 30, 30 के बाद 32, 33, 35, अगेन 35 एंड 40। ओके, ये हमारी x की वैल्यू हो गई। अब y हमारा क्या गिवन है, कह रहा है कि 18, 20, 22, 25, 22, 28, 28, 30, 27, 30 एंड 32। ओके, ये गिवन है। अब हम फर्स्ट क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे x माइनस x डैश। क्या फाइंड करेंगे, x माइनस x डैश। अब x डैश ऑलरेडी हमें मीन पता है कितना, 30 है। तो x जब यानी 24 माइनस 30 हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। देखो 30 से, ठीक है। अब 27 माइनस 30 कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है, इन पूरी वैल्यू को 30 माइनस करना है। यानी हम कह सकते हैं x माइनस 30, यही तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मीन है वो हमारा क्या है, 30 है। तो माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 3, माइनस 2, यहां भी हमारा माइनस 2, माइनस 1, 0। अब यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 5 और ये हमारा हो जाएगा 10। ओके, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, वाई माइनस वाई डैश, वाई माइनस वाई डैश। अब वाई डैश हमारा कितना है, 28 है। यानी वाई माइनस 28 हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे कैसे होगा, देखो सेम। अब 28, 18 माइनस 28 कितना हो जाएगा, माइनस 10। 20 माइनस 28 कितना हो जाएगा, माइनस 8। इस तरीके से क्या करना है, फाइंड करना है हमें, माइनस 8 यहां पे हो जाएगा, माइनस 6 और यहां पे हो जाएगा हमारा कितना, माइनस 3, माइनस 6, 0, यहां भी हमारा हो जाएगा 0, 2, 2 के बाद यहां पे हमारा कितना फाइंड होगा, 2, माइनस 1 और यहां पे 2 और ये 4। ओके, यहां तक हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट कह रहा है हमें चाहिए क्या, सिग्मा एक्स माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर। तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है एक्स माइनस एक्स डैश, इसको क्या करते हैं, हम होल स्क्वायर कर देते हैं इसको, ठीक है। 6 का स्क्वायर माइनस 6 कितना हो जाएगा, 36, ये 36 हो गया। माइनस का 9, 3 है, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4, 4, 1, 0, 4, 9, 25, 25 एंड 100। ओके,
यहां तक आपको समझ में आ गया होगा इजली। हमें क्या चाहिए, इसका समेशन भी चाहिए भाई, हमें क्या करिए पूरा इसका समेशन कर दिया, कितना इसका x माइनस एक्स का, तो हम लिख देता हूं यहां पे x माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर। अब ये पूरा जब हम इसको पूरा ऐड करेंगे तो हमारा यह फाइंड होगा 217। ओके, कि नेक्स्ट क्या चाहिए, y माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर, y माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर। ये ऑलरेडी y माइनस वाई डैश हमें फाइंड है, हमें क्या करना है इसका होल स्क्वायर करना है। तो माइनस 10 का कितना हो जाएगा 100, 64, 36, 9, 36, 0, 0, 4, 1, 4 एंड 16। ओके, इसका भी क्या करो समेशन फाइंड करो, y माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर, ये हमारा मिलेगा 270। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। अब देखो यहां पे हमें चाहिए क्या, समेशन x माइनस एक्स डैश और y माइनस वाई डैश चाहिए। तो x माइनस एक्स डैश भी हमें पता है, y माइनस वाई डैश भी है, इनको क्या करेंगे मल्टीपल कर दें, क्योंकि यहां पे हमें क्या चाहिए मल्टीपल में चाहिए। तो मैंने लिख दिया भाई x माइनस वाई, x माइनस एक्स डैश होगा ठीक है, और y माइनस वाई डैश होगा ठीक है। अब 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारा 60, ये हमारा हो जाएगा 24, 12, 6 और यहां पे 6, 0, 2 और ये 6, 5, 10 एंड 40। इसका भी समेशन आप निकाल लो, ये समेशन किसका निकाल रहे हैं, x माइनस एक्स डैश का और y माइनस वाई डैश का, ये आ जाएगा 159। यहां तक आपको दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो दोस्तों प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। अब इस फॉर्मूले पे हम पुट करते हैं किसके लिए, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड करने के लिए। तो हमारा आर क्या है एक्स और वाई, ये वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है, कितना है 159 है, 159। रूट में क्या करना है, जो ये वैल्यू हमने फाइंड हुई है इसको क्या करना है मल्टीपल करना है। तो देखो इसको हमने समय ऑलरेडी फाइंड किया 217, 217 इंटू कितना है 270, 270, 159 ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कैल्शियम साल करते हैं, तो क्या गिवन है 217, 217 इंटू 270, 270 कितना आ गया, इतना हमें चाहिए क्या इसका रूट चाहिए, हमने रूट इसका निकाल लिया, कितना आ गया 242.05। हमें क्या करना है अब इससे क्या करना है डिवाइड कर देना है, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 0.657 जो हमारा होगा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को, और यहां से आपके 10 नंबर दोस्तों इजिली मिल जाते हैं। ओनली कैलकुलेशन आपको करना है और ध्यान देना है कि हमें फॉर्मूला किस तरीके से स्टेप वाइज सॉल्व करना है। ओके, तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो समझ में आया हो तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।